नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंशराज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के कर्मचारी बोर्ड आयोग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की, इसके काफ़ी दिनों से इंतजार था स्टूडेंटों को। 2018 में आई थी, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई थी आईए के अंदर, तो इसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया, देख सकते हो आप 16 जनवरी 2023 को। तो इसकी डिटेल पर पूरी चर्चा करेंगे, कितनी वैकेंसी, कब से फॉर्म है, क्या फीस है, क्या सिलेबस रहेगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने डेट बता दी है वैकेंसी की, और इसमें टोटल वैकेंसी आप यहाँ देख सकते हो, ये देख सकते हैं आप 2730 वैकेंसी इसमें टोटल, जिसमें नॉन TSP की 2415 है और TSP की 315 वैकेंसी है इसमें। अब बात करते हैं इसके आवेदन की, तो वही प्रोसेस है, राजस्थान की SSO के थ्रू इसकी और ऑनलाइन आवेदन होंगे। ये देख सकते हैं इसमें उन्होंने पहले ही बता रखा है SSO के थ्रू। बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की, आवेदन परीक्षा शुल्क क्या रखेगा इसका। तो आवेदन शुल्क इसमें देख सकते हो जनरल के 450, जो पहले भी अधिकतर फॉर्म यही रखी गई है, और SC ST और ये EWS इनके लिए 250 रुपये रखी गई है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी है, ये इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी, इसमें जनरल कितनी है, SC ST इनके EWS, इस प्रकार से वैकेंसी। तो आप इसको डाउनलोड करके, मैं आपको बताऊँ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको वैकेंसी को डिवाइड कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। बात करते हैं इसके आगे, ये जो अगर आप स्पोर्ट से रिलेटिव हो, मतलब स्पोर्ट हो या खेल चुके हो कोई खिलाड़ी हो, तो आपके लिए इसमें छूट दे रखी है। देख सकते हो सेंटर और स्टेट इनके हिसाब से अलग अलग छूट है, PH वालों के लिए दे रखी है यहाँ पे। बात करते हैं इसके वेतनमान की, इसमें लेवल 8 का वेतनमान 26,300 पे ग्रेड रखा गया है इसमें, जो भी है आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट नंबर 5। बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, ये इम्पोर्टेंट बात है, पॉइंट नंबर 6 क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखते हो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना, IT, इनके अंदर आपको डिग्री होनी चाहिए, या उसके बाद आपके पास पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस IT, 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास BTech है तो वो भर सकते हो। कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ग्रेजुएशन हो, या आपके पास पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा है, तो आप भर सकते हो फॉर्म को। उसके बाद बात करते हैं भारतीय विद्युत द्वारा स्थापित किसी विद्यालय संस्था में, स्थापित विद्यालय में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी डिप्लोमा समतुल्य हो, इसमें ओ लेवल इनके लिए दे रखी है। किसी विद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ओ या उच्च लेवल का प्रमाण पत्र भी होना, वो भी चलेगा। तो इसकी क्वालिफिकेशन आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें दो टेस्ट होंगे, पहले तो आपका जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी, और आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, इसकी कंडीशन है, ये क्वालिफिकेशन है इसमें। तो टाइपिंग होगी, आपको देख सकते हैं हमें हिंदी और अंग्रेजी में 20 शब्द प्रति मिनट अंकन की गति। उसके बाद मेरिट होगी, तो इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। स्वास्थ्य और करेक्टर ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आयु की बात करते हैं इसमें, एज लिमिट तो इसमें दे रखा है 1/1/2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए, और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए, ये देख सकते हैं हमें, मतलब 21 से 40 के बीच की एज होनी चाहिए इसमें, जो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसमें कैटेगरी के हिसाब से छूट दे रखी है, ST SC को 5 साल की, अदर EWS को 5 साल की, और जो अगर इसमें डिपार्टमेंट से हो तो 10 साल की, अलग अलग छूट है, आप इसको पढ़ सकते हो। पेंशन के बारे में इसमें लिख रखी है,
नए भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार देय पेंशन लागू होगी। तो राजस्थान के अंदर पेंशन स्टार्ट कर दी है जो पुरानी, उसको आवेदन जमा करने ऑनलाइन आवेदन की तिथि क्या रखी गई है, तो पॉइंट नंबर 11 में पढ़ सकते हो आप। बात करते हैं इसकी तिथि की, तो 27 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, देख सकते हैं यहाँ, और 25 फरवरी तक इसके फॉर्म चलेंगे रात 12 बजे तक। तो आप 27 तारीख से फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद परीक्षा की बात करते हैं, तो इसमें परीक्षा की डेट इन्होंने दे रखी है मार्च जुलाई, मतलब जुलाई में एग्जाम करवाने के लिए उन्होंने फिक्स कर रखी है। ऐसे इन्होंने मेंशन कर रखा है, कोई फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, लेकिन संभावित माह यही रखा गया है जुलाई 2023। प्रवेश पत्र एग्जाम से पहले आपको इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमाण पत्र, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दे रखे हैं, तो आप इसको डाउनलोड करके ये निर्देश पढ़ लीजिए, आप फॉर्म अप्लाई करो उससे पहले। ये फोटो से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड, जो साइज है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कलर बात इसके, लेकिन सुविधा ये अलग अलग आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं इसके सिलेबस की, ये देखते हो पॉइंट नंबर 21, सिलेबस में क्या रखा गया है इसमें, तो देख सकते हैं इसमें सूचना सहायक के अंदर परीक्षा 2 भागों में होगी। केवल वे ही विद्यार्थी जो परीक्षा के भाग ए में पास होंगे वो सेकंड के लिए एलिजिबल है। तो भाग ए के जो पास होंगे वो सेकंड में एलिजिबल है। तो इसमें क्या रखा गया, फर्स्ट के अंदर ये भाग फर्स्ट है, सेकेंड है, तो फर्स्ट में 3 घंटे का पेपर होगा 100 नंबर का, उसमें योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। बाद सेकंड में अंदर इसको टाइपिंग रखी गई है हिंदी और अंग्रेजी की, 15-15 मिनट की टाइपिंग है इसमें। ये इसका सिलेबस है, मैं इस सिलेबस को पॉइंट वाइज पढ़ाऊँगा तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। ये इसकी वेबसाइट है, तो मैं आपको ले चलता हूँ, बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया था, इसमें RSMSSP इसकी वेबसाइट ये देख सकती है, इसको सर्च करो, उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऐसी इंटरफेस हो रहा है तो आप 3 डॉट पे जाकर इसको डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड में ओपन करोगे तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ओपन होगी। तो न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, तो आइए इन्फॉर्मेशन रेस्टेंट 2023 डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करना। ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप यहाँ से पूरी डिटेल चेक करके उसके बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।